दोस्तों, भारत के महान गायक एसपी बालसुब्रमण्यम अब इस दुनिया में नहीं रहे। एसपी बालसुब्रमण्यम ने 40,000 के ऊपर गीत गाए, ये भी एक रिकॉर्ड है, और 16 लैंग्वेजेस में उन्होंने ये गीत गाए थे। उनका एक किशोर कुमार के साथ भी गीत बहुत ही फेमस हुआ था, और वो गीत था सागर फिल्म का यूं ही गाते रहो। उस दौरान एसपी बालसुब्रमण्यम बॉलीवुड के लिए गीत गा रहे थे। उन्होंने जितेंद्र के लिए भी कुछ गीत गाए थे और उनके गीत बड़े हिट हो रहे थे। 1984-85 में बालसुब्रमण्यम जी अपने पीक पे थे और बहुत ही अच्छा गा रहे थे। उन दौरान सागर फिल्म का निर्माण हो रहा था और फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे हाडी बर्मन। उस वक्त कमल हासन के कहने पे एसपी बालसुब्रमण्यम जी को उनके लिए प्लेबैक सिंगिंग करने के लिए बुलाया था, और एक गीत उसमें ड्यूएट था जो किशोर कुमार और एसपी बालसुब्रमण्यम जी मिलकर गाने वाले थे। मगर उस वक्त किशोर कुमार की तबीयत बहुत ही ख़राब हुई थी। किशोर कुमार जिन्हें पहले ही 2 हार्ट अटैक आ चुके थे और उनकी सेहत उन दिनों कुछ खास नहीं थी, फिर भी किशोरदा गीत गा रहे थे और काफ़ी उनके गीत सुपरहिट हो रहे थे। 1985 के शुरुआती दौर में किशोर कुमार की तबीयत और ख़राब होने लगी, और उनके खराब तबीयत के चलते जो ड्यूएट सॉन्ग होने वाला था एसपी बालसुब्रमण्यम और किशोर कुमार, वो गीत साथ में रिकॉर्ड नहीं हो सका। उस वक्त टेक्नोलॉजी थोड़ी आगे बढ़ रही थी, अगर कोई सॉन्ग ड्यूएट है तो एक सिंगर गा के चला जाता था और बाद में दूसरा सिंगर वो ड्यूएट सॉन्ग कंप्लीट कर देता था। तो ऐसी टेक्नोलॉजी उस वक्त आ चुकी थी, और ऐसा ही हुआ। ट्रैक रेडी हो गया और एसपी बालसुब्रमण्यम ने उनके हिस्से का गीत गाया था, और वो गीत उन्होंने बहुत ही अच्छा गाया था। उस गीत में उन्होंने उनकी पूरी एनर्जी डाली थी, गीत बहुत ही अच्छा हुआ था। जैसे ही एक गीत जावेद अख्तर साहब ने सुना, वो भी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने देखा कि एसपी साहब ने एक गीत बहुत ही अच्छा गाया है, और उन्हें चिंता होने लगी कि किशोर कुमार इतना बीमार चल रहे हैं, उन्हें इतनी तकलीफ हो रही है, किशोर कुमार उनके नेचुरल एनर्जी से गा सकेंगे। बाद में जब किशोर कुमार जी जब रिकॉर्डिंग पहुंचे तो उनकी हालत कुछ अच्छी नहीं थी, उन्हें बुखार था और वो गाने की हालत में बिल्कुल नहीं थे, मगर फिर भी किशोर कुमार वो गीत गाने के लिए राज़ी हुए। जैसे ही किशोर कुमार जी स्टूडियो पहुंचे थे, तब जावेद अख्तर साहब काफ़ी चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि किशोरदा इतने बीमार है और वो किस प्रकार से गा सकेंगे। मगर जैसे हमेशा होता है, जैसे किशोरदा ने स्टूडियो में एंट्री किया तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ। किशोरदा ने लाउड आवाज़ में आरडी बर्मन को बुलाया, और पहले ही एसपी साहब के साथ किसी और ने एक रफ ट्रैक गा के रखा था, और किशोर कुमार ने वो गीत एक बार दो बार सुना, और बाद में किशोरदा भूल गए कि वे बीमार है, और फिर उन्होंने गाना शुरू किया। और जैसे ही किशोरदा गाने लगे तो जावेद अख्तर सामने खड़े थे और ये देखते रहे। वो सोचने लगे कि ये इंसान इतना बीमार है और फिर भी इतनी एनर्जी से और इतना अच्छा गा रहे हैं, और किशोर कुमार ने इस गीत में कमाल ही कर दिया। इतना बीमार होने के बावजूद उन्होंने बहुत ही अच्छा निभाया, बहुत अच्छा गाया, और ये गीत एसपी बालसुब्रमण्यम और किशोर कुमार इन दोनों का बहुत ही अच्छा गीत है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। जितना अच्छा किशोर कुमार जी ने गाया था उतना ही अच्छा एसपी बालसुब्रमण्यम जी ने भी गाया था, और यह गीत इतना कॉम्प्लिकेटेड था। इस गीत के शूटिंग के लिए 15 दिन लगे थे, इसका एक एक शॉट लेने के लिए बहुत ही वक्त लगा, और इस गीत में कमल हासन जी ने बहुत ही अच्छा डांस किया है, और उनके साथ ऋषि कपूर जी ने भी बहुत ही अच्छा निभाया था, और हमें कह सकते हैं इस गीत में सब कुछ अच्छा था। जो जावेद अख्तर साहब ने लिखा था वो वर्डिंग बहुत ही अच्छे थे, और जिस तरह से किशोर कुमार और एसपी बालसुब्रमण्यम जी ने गाया था वो भी बहुत ही, उनका अंदाज अलग था, अच्छा था। और कंपोजिशन, आरडी बर्मन जी के कंपोजिशन का क्या कहना, और क्या गीत है, क्या लाजवाब गीत है। और इस गीत में आप खास करके देखेंगे तो डिंपल कपाड़िया का डांस और उनके स्टेप्स बहुत ही अच्छे हैं। ओवरऑल ये गीत बहुत ही प्यारा है। जब बड़े सिंगर मिलके गाते हैं तो किस प्रकार से गीत तैयार होते हैं, इसका एक एग्जांपल है। और दोस्तों, इस किस्से को खुद जावेद अख्तर साहब ने बयान किया था। उन्होंने बताया था कि उन्हें चिंता हो रही थी कि किशोर कुमार जी जो इतने बीमार चल रहे थे,
क्या वो इस गीत को जस्टिस दे पाएंगे। मगर जावेद अख्तर कहते हैं कि किशोर कुमार एक मैजिकल इंसान थे, और जिस प्रकार से उन्होंने एक गीत गाया, एक गीत सुनने के बाद जावेद अख्तर बहुत ही सरप्राइज हो गए और वो देखते ही रह गए कि किशोर कुमार ने इस गीत को किस प्रकार निभाया था। तो अंत में यह कह सकते हैं कि किशोर कुमार और एसपी बालसुब्रमण्यम का एक अनोखा गीत है, एक बहुत ही प्यारा गीत है, और आज भी गीत उतना ही पॉपुलर है और बड़े बड़े शोज़ में लोग इसे गाते हैं और इसे लोग एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, ये किस्सा आपको कैसा लगा आप कृपया कमेंट में बताएं, और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ यह चैनल आप सब्सक्राइब करें, और फिर मैं लेके आऊँगा कुछ और नए किस्से और कुछ नई कहानियाँ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।